हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को बेस शुरू करना था, है ना। आज हम लोगों को बेस शुरू करना था, जिसे या पूरा नाम इसको बेसिस बोलते हैं हिंदी में, शारक। हिंदी में शारक, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि शारक, देखो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे एसिड हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, तरल अवस्था में मिलते हैं। लेकिन बच्चों, आपको मैं ये बता दूं कि हमारे जितने भी बेस होते हैं ना, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठोस रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? ठोस, सॉलिड में। और बच्चों, ये हमेशा सॉलिड में मिलने की वजह से इसका जब भी हमें रिएक्शन करना होता है, तो पहले हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं। जैसे अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, आपके घर में एक बेस है जिसका नाम आप लोग भाई निर्मा, व्हील, रिन, घड़ी कुछ भी बोलते हैं, तो वो जो वॉशिंग पाउडर होता है ना, वो भी आपका बेसिक होता है, बेस होता है, ठीक है। और उस वो बेस आपका कैसा होता है भाई? लिक्विड में नहीं होता कभी, वो सॉलिड में होता है। देखते हो छोटे छोटे दाने होते हैं, सॉलिड में होता है, ठीक है। अब वो सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से क्या आप उसको डायरेक्ट कपड़ों पे लगा के साफ कर सकते हो? नहीं। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उस पाउडर को लेते हो और उसे पानी में डिजोल्व करते हो, और फिर उसके अंदर कपड़े डुबो के साफ करते हो। यानी क्या करते हो आप, पहले आप हमेशा पहले बेस का सॉल्यूशन बनाते हो, आप उस बेस का, उस क्षार का विलयन बनाते हो। तो बच्चों, जब इस सॉलिड बेस को वाटर में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो ये एक सॉल्यूशन तैयार करता है, विलयन तैयार करता है, ठीक है। और उस विलयन को एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली, एल्कली विलयन, एल्कली विलयन, हिंदी में एल्कली सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? एल्कली सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने एल्कली नाम का कोई वर्ड आ जाता है या एल्कलाइन मीडियम का कोई वर्ड आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बेस सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब इसी सॉलिड फॉर्म को भाई किस में मिला दिया जाता है? जल में मिला दिया जाता है, जल में मिला दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? ये एक सॉल्यूशन बन जाता है, विलयन बन जाता है, जिसे हम लोग एल्कली सॉल्यूशन या एल्कली विलयन या हिंदी में क्षार विलयन भी कहते हैं, हिंदी में क्षार विलयन भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी नाम ले लो, सब सही है, ठीक है। तो फिर से सुनना, जितने भी बेस हैं कौन से रूप में होते हैं? सॉलिड में। वाटर में मिला के क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है बच्चों? एल्कली सॉल्यूशन, एल्कली सॉल्यूशन, हिंदी में एल्कली भी बोल सकते हो, क्षार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, दुनिया के जितने भी बेस हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन कराने के लिए पहले उसको किस में मिलाया जाता है? पानी में मिलाया जाता है, ताकि हम लोग प्रॉपर रूप से रिएक्शन कर सके, ठीक है। चलिए, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा अब तक। चलो अब आगे देखो। अब मैं आगे बता दूं आपको। हाँ जी, अब आपको ये बात पता है, अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि जिस तरीके से एसिड में कुछ कॉमन था, तो इसमें भी कुछ कॉमन रहा होगा। तो अब टॉपिक का नाम लिखेंगे हम लोग, अब टॉपिक का नाम लिखेंगे, व्हाट डू ऑल द बेसिस, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। सभी सभी क्षारकों में क्या समान है, क्या समान है? अब बच्चों ध्यान से सुनना, जिस तरह एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है, उसी तरीके से बेस में OH माइनस आयन कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन, हिंदी में भी यही नाम है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन ये होता है, ठीक। तो आप अपना दिमाग उस तरफ दौड़ा दो कि जब भी एसिड आएगा, तो आप बोलोगे कि एसिड की पहचान एच प्लस आयन, लेकिन अगर बेस आ गया तो बेस की पहचान क्या होगी? ओ एच माइनस आयन, उसका एच प्लस होता है,
इसका OH माइनस आयन कॉम यानी क्या होता है, कॉमन होता है। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरीके से बेस का हम लोग क्या बनाते हैं, एक थीम बनाते हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों अब देखो, अब आप लोग आगे देखेंगे कि क्या पता करेंगे हम कि प्यारे बच्चों अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार ये H प्लस आयन ओ सॉरी OH माइनस आयन कैसे बेस की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, कैसे बेस की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों, एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, बेस दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होता है वीक बेस। ठीक है, इसका दुर्बल, ठीक है, दुर्बल क्षार और इसका प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार प्रबल क्षार। अच्छा अब आप अगर एसिड की बात याद करोगे बच्चों, तो आपको क्या याद है कि जितने भी एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और बेस में कन्वर्ट होते हैं, वो सॉरी स्ट्रॉन्ग और वीक में कन्वर्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में मिलकर ज्यादा एच प्लस आयन निकाले, और वीक वो होता है जो वाटर में मिलकर कम एच प्लस आयन निकाले। तो बेस का भी सेम सीन है, क्या है कि जब ये वाटर में मिलके ज्यादा ओ एच माइनस आयन निकालेगा, ज्यादा ओ एच माइनस आयन निकालेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्रबल क्षार होगा। और अगर वीक बेस वाटर में मिलकर ओ एच माइनस आयन कम निकालेगा तो भाई वो कौन सा होगा बेस, वो वीक बेस होगा। कौन सा बेस होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, तो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के नाम लिखता हूं, जैसे NaOH जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लिखता हूं KOH इसका क्या होता है भाई, भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, अब जैसे वीक में तो हमें भी और भी पता है, जैसे MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन से हैं, ये वीक है, और ये NaOH KOH ये सब कौन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बच्चों मैंने आपको सब दोनों के दो दो एग्जाम्पल लिखवा दिए, दोनों के दो दो एग्जाम्पल लिखवा दिए, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो नाम कैसे पढ़ते हैं, Na का सोडियम, OH का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, K का पोटेशियम, OH का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Mg का मैग्नीशियम, OH का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Ca का कैल्शियम, इसका हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इस तरीके से पता लगाते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस कौन है जो वाटर में मिलके ज्यादा ओ एच प्लस आयन निकाले, वीक बेस कौन है जो वाटर में मिलके कम ओ एच माइनस आयन निकाले, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वीक बेस हो जाता है। जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगे हाथ लिख भी लो यार, लिख भी लो इसको। ठीक है, लगे हाथ लिख भी हो, लिखो इसको। अगर आपने नोट कर लिया होगा इसे वीडियो पॉज करके, तो इसे लिखो, लिखिए, हिंदी वाले लिखेंगे, सभी क्षारक पदार्थों में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH माइनस आयन होता है। सभी क्षारक पदार्थों में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH माइनस आयन होता है। इंग्लिश वाले, ऑल बेसिस हैव इन कॉमन हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में ओ एच माइनस आयन। अगला लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में लिखो, हिंदी वाले लिखो, पहले प्रबल क्षार लिखो, वह क्षार जो जल में मिलकर
जो जल में मिलकर, जो जल में मिलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। आयनित देखो कैसे लिखते हैं, आयनित। अब आयनित का मतलब क्या होता है? आयनित का मतलब होता है आयंस को बाहर निकालना, ठीक है। पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं, एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं, एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। इंग्लिश वाले, दोज बेसिस विच विच कंप्लीटली आयनाइज्ड, विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, लिख दूं क्या स्पेलिंग आयनाइज्ड की? ये देखो, आयनाइज्ड कंप्लीटली आयनाइज्ड विद वाटर, विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आप लिखो दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार में लिखो, लिखो वह क्षारक जो जल में मिलकर, वह क्षार जो जल में मिलकर, वह क्षार जो जल में मिलकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप, आंशिक कैसे लिखते हैं देख लो, आंशिक कैसे लिखते हैं ये बता दूं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आशिक मत लिख देना, अगर आशिक लिख दो ठीक है। आंशिक रूप से आयनित होते हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में, और बहुत थोड़ी मात्रा में OH माइनस आयन निकालते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में OH माइनस आयन निकालते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहा जाता है, उसे दुर्बल क्षार कहा जाता है। हाँ जी, इंग्लिश वाले लिखेंगे दोज बेसिस, दोज बेसिस इन विच इन विच इट इज पार्शली आयनाइज्ड, इट इज पार्शली आयनाइज्ड, इट इज पार्शली आयनाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड अ वेरी लो अमाउंट ऑफ, अ वेरी लो अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, अ वेरी लो अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इट्स कॉल्ड वीक बेस, इट्स कॉल्ड वीक बेस। इट्स कॉल्ड वीक बेस, ठीक है जी। चलो अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, याद आया कुछ भाई? हाँ, क्षार के गुणधर्म, अगर याद आ गया होगा तुम्हें अब तक।
गुणधर्म, ठीक है जी, क्षार के गुणधर्म। हाँ जी, अब देखो बच्चों, मैं आपको याद दिलाता हूं एक एक करके। ये सारी बातें हमने एसिड में भी ऐसी कुछ 7-8 बातें पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानी थी, तो इसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टी जानेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, हाँ भाई, एसिड स्वाद में कैसे थे? खट्टे, तो ये कैसे होंगे? कड़वे या कसेले, ठीक है ना। लिखेंगे लिखेंगे इट इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे तथा कसेले होते हैं। अच्छा, कड़वा तो आप जानते हो, कसेला जानते हो क्या होता है? कसेला बताता हूं मैं, जैसे जामुन खाते हो आप लोग, तो जामुन खाने के बाद आप लोग जरा पानी पी के देखना, आपका ना मुंह अजीब अजीब सा आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे जीभ पे लाइन लाइन सी आ गई है। तो क्यों लगता है? क्योंकि उसी को कसेला टेस्ट कहते हैं, ठीक है। यह है स्वाद में कड़वे तथा कसेले होते हैं, ऐसे लिखते हैं। चलो सेकंड, सेकंड क्या है बच्चों? भाई क्या है भाई, जैसे ये लोग क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, है ना भाई। इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, यह है लाल लिटमस को नीला करते हैं। याद आया? ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, कोई बोलो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, ये छूने में कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, चिकने होते हैं। चाहे तो आप लोग वॉशिंग पाउडर निर्मा, जया और सुषमा पता है ना, तो भाई ये व्हील वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं, ये आप जरा टच करके देखना, आपको देखना बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। इवन आप लोग देखना कोई मैं ये कह रहा हूँ पेस्ट, अगर हम लोग जो टूथपेस्ट होता है वो भी छूते तो कैसा लगता है? सॉफ्ट ही होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये लिखेंगे इट सॉफ्ट इन टच, इट सॉरी इट इज सॉफ्ट इन टच, सॉफ्ट इन टच, ठीक है। यह छूने में चिकने होते हैं, यह छूने में चिकने होते हैं या मुलायम होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4 है क्या भाई, जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, बेस का सॉल्यूशन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है, वो भी विद्युत को चालन कर सकता है। तो लिखेंगे इट सॉल्यूशन, इट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्षारक का विलयन विद्युत चालन करता है, का विलयन विद्युत का चालन करता है, या विद्युत का सुचालक है, का चालन करता है, करता है, ठीक है जी। चलो अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। ये 4 प्रॉपर्टी उतार लो पहले, तुम ये 4 प्रॉपर्टी उतार लो, क्योंकि ये तो सिर्फ लिखने वाले थे, अब आएंगे समझने वाले, ठीक है, अब आएंगे समझने वाले। ठीक है, चलो तो ये 4 प्रॉपर्टी तो आपने उतार ली होगी, 5वीं प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, 5वीं प्रॉपर्टी देखो। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है? 5वीं प्रॉपर्टी है, जैसे बच्चों हम लोगों ने एसिड की 5वीं प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ये बताओ, कि मेटल मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या निकालेगा भाई, जल्दी बता दो। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या निकालेगा, जल्दी से जल्दी बता दो। तो आपका आंसर था हाइड्रोजन गैस, आपका आंसर था हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन, ये आपको मैं बता दूं, लेकिन बेस जो होते हैं ना, बेस बेस जो होते हैं, वो सिर्फ कुछ मेटल के साथ, सिर्फ कुछ, सारे मेटलों के साथ नहीं, एसिड के अंदर तो सारे मेटल थे, लेकिन बेस के अंदर कुछ ऐसे मेटल मेटल होते हैं जिनके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, करो, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है। देखो याद दिलाता हूं मैं अभी, ठीक है, देखना।
इसको मैं सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? बेस बेस रिएक्ट्स विद सम मेटल एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? क्षार क्षार कुछ धातुओं धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। कोई दिक्कत? नहीं भाई, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो चलो बता करते हैं कैसे। देखो बच्चों, एक बेस ले लेते हैं NaOH, इसका नाम आप जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी इसके ऊपर, ठीक है? और मान लो मैंने इसको जिंक मेटल से रिएक्शन करवा के हीट कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक है? जिंक मेटल लिया और मैंने उसके साथ गर्म कर दिया, तो पता है मैंने क्या बताया कि कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। तो ये गैस तो आप फिक्स कर दो कि भैया ये तो निकलनी है, हाइड्रोजन तो क्या कर दो आप फिक्स कर दो कि ये तो निकलनी है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे कंटेंट बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कई बार देखा एग्जाम में आते हुए। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका Na2, क्या बनेगा आपका? Na2ZnO2, Na2ZnO2, जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। हिंदी में भी लिख देता हूं, सोडियम जिंकेट, ठीक है? सोडियम जिंकेट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं लिख रहा हूं, देखो बार बार इस पे इंपॉर्टेंट क्यों, कई बार पूछा गया है कि आखिरकार बताइए कि भाई ये कैसे कैसे होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए भी आया हुआ है, तो बैलेंस करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, यहां पे 2 लगा दो, देखो हो गया बैलेंस। कैसे? Na2 Na2, O2 O2, H2 H2, Zn Zn, हो गया बैलेंस, बस आगे 2 लगाना था, ठीक है? तो ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है, तो इसलिए मैंने इसी रिएक्शन को इंपॉर्टेंट तरीके से लिखवा दिया है कि बच्चों जब बेस रिएक्ट करता है कुछ मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो देख सकते हो आप, बेस है आपका NaOH, मेटल के साथ रिएक्शन कराई, गैस निकल गई हाइड्रोजन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? प्रॉपर्टी नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ठीक है? इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक? चलो नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो जरा, अच्छा लग रहा ना, कलरफुल कलरफुल सा, इंटरेस्टिंग सा, मजेदार। प्रॉपर्टी नंबर 6, फिर 7, फिर खत्म, ठीक है? पहले 6 नहीं, हाँ देखो पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो। हाँ भाई, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6 जरा देख लेंगे। हाँ जी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो एसिड होते हैं ना, वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। लेकिन बच्चों यहां पर अब बेस की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? बेस की। तो वो आधातु के साथ करेंगे, नॉन मेटल के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? नॉन मेटल के साथ। तो यहां पे लिखेंगे बेस बेस बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। हिंदी वाले क्षार क्षार आधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना। चाहो तो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं एक। मान लो आपने बेस ले लिया NaOH, ठीक है जी? आपने बेस क्या ले लिया? NaOH। और आपने कोई नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड
अधातु ऑक्साइड। अधातु क्या होता है भाई, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ये सब होता है, तो क्या मैं नॉन मेटल ऑक्साइड में CO2 ले सकता हूं? जल्दी बता दो भाई, क्या मैं नॉन मेटल ऑक्साइड में CO2 ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? जल्दी बताओ। बिल्कुल ले सकता हूं। तो बच्चों NaOH प्लस में CO2 क्या बनाएगा? NaOH प्लस में CO2 क्या बनाएगा? सोच सको, सोचो क्या बन सकता है। तो बच्चों ये बनाएगा, देखो मैं बताता हूं क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस, और क्या बनाएगा? वाटर, NaH2O। क्या बनाएगा? H2O। तो याद रखना, जब भी हम लोग किसी बेस को नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमेशा कार्बोनेट वाला हिस्सा बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनेट वाला हिस्सा बनाता है। तो जैसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वो भी देख लो लगे हाथ। क्या चैप्टर, क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर? हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों, याद होगा अगर आपको, CaOH2, याद आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी भी रिएक्शन अगर CO2 से कराते थे, याद है पेंट वाला कहानी सुनाई थी मैंने आपको, पेंट वाली कहानी, कि जब हम पेंट करते हैं तो ये गीला होता है, लेकिन ये अपने आप CO2 से रिएक्शन करता है, और CO2 से रिएक्शन करने के बाद क्या भाई, वाटर तो बाहर निकलेगा ही, क्योंकि गर्म होगा तो हीट होके तो वाटर निकलेगा ही, और बन क्या जाएगा? CaCO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों अब एक चीज तो आप लोग सीख लो, क्या सीख लो, कि जब भी किसी, मतलब क्या, जब भी किसी बेस की रिएक्शन किससे होगी? CO2 से होगी, तो हमेशा क्या बनाएगा वो? कार्बोनेट बनाएगा वो। क्या बनाएगा वो? कार्बोनेट बनाएगा। तो इस तरीके से इसको ध्यान रख के अपना याद कर लो और इस रिएक्शन को सीख लो, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये रिएक्शंस पूछी गई हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद एक बात बताता हूं, ठीक है, फिर बेस खत्म करते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है ना, वो आपको वही सेम प्रॉपर्टी आपको वहां पे भी मिल गई है। कहां पर आपको मिली है ये? कहां ये मिली है आपको? एसिड वाली प्रॉपर्टी में। याद करो, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। याद करो, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एसिड में लिखवाई थी। अगर नहीं याद है, फटाफट अभी उस वाली प्रॉपर्टी को निकालो और देखो, ठीक है, आप लोगों ने रजिस्टर में नोट किया होगा ना, तो प्रॉपर्टी देखो, एसिड के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और भाई हिंदी वालों को क्या, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी निकाल के देख लो, और यही सेम प्रॉपर्टी देखो मैं यहां भी लिखने जा रहा हूं 7वें नंबर पे। क्या? बेस बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर हिंदी में क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। तो बच्चों क्या कोई भी फर्क है? क्या कोई भी फर्क है इन दोनों प्रॉपर्टी में, एसिड वाली प्रॉपर्टी में या बेस वाली प्रॉपर्टी में? अरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों, क्योंकि देखो, बेस की रिएक्शन एसिड से करा दो, चाहे एसिड की रिएक्शन बेस से करा दो, चीज वही बननी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिया था एसिड में, क्या लिख के दिया था एसिड में? HCl प्लस NaOH, NaOH, तो आपका बन गया था H, ये आपका, आपने क्या बनाया था? आपने बनाया था NaCl और H2O, यही बनाया था ना। अब अगर मान लो ये था एसिड की रिएक्शन बेस से, अगर मैं बेस की रिएक्शन एसिड से कर दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अरे तब भी तो यही बनेगा बच्चों, तब भी तो यही बनेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि जो एसिड वाली ये वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी और बेस में जो ये प्रॉपर्टी लिखवाई है, दोनों सेम है। दोनों प्रॉपर्टी क्या है? सेम। कहने का मतलब क्या कि अगर आप एसिड की रिएक्शन बेस से करा दोगे तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, और अगर आप बेस की रिएक्शन एसिड से करा दोगे तब भी आपका सॉल्ट और वाटर बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक रिएक्शन, ये रिएक्शन तो मैं आपको लिखवा ही चुका था, एक और लिखवा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं, हम ये ले लेते हैं भाई, KOH प्लस में H2SO4, तो ये क्या बनेगा बच्चों?
आपको मैंने बता ही रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो ये पहला प्लस, अगला माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो के का प्लस वन, एस ओ फोर का माइनस टू, टू इसके नीचे, वन इसके नीचे, क्या बनेगा, के टू एस ओ फोर प्लस। फिर क्या है, इसका प्लस इसका माइनस, एच का प्लस वन और एच का माइनस वन, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, बनेगा एच टू ओ, पता है ना, अरे दो एच एक ओ, तो क्या बनेगा एच टू। तो इस तरीके से बनाते हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर आप एसिड की रिएक्शन बेस से या बेस की रिएक्शन एसिड से किसी से भी करा दो, आंसर में आपका सॉल्ट और वाटर, लवण और जल ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। हाँ, इसके अंदर मैं कुछ नई वैरायटी ला सकता हूं, इसके अंदर मैं कुछ नई वैरायटी ला सकता हूं जो आपकी बुक में अभी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो जल्दी से इनको उतारो, फिर मैं आपको वो नई वैरायटी दिखाता हूं कि आखिरकार वो नई वैरायटी है क्या, ठीक है। मजा सा आ जाएगा ये वैरायटी पढ़ के। चलो ये हो गया, ये नोट कर लिया होगा। चलो अब देखो वो नई वैरायटी है क्या, 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक है, समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो मौज हो जाएगी। चलो अब देखना, मैं यहां पे बच्चों चार कॉलम बना रहा हूं, मैं यहां पे चार कॉलम बना रहा हूं, बना दिए। यहां पे मैंने एक बीकर बनाया, यहां पे मैंने एक बीकर बनाया, और रिएक्शन किसकी करा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, हिंदी में बोले तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। यानी इसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ठीक है जी। अच्छा अब मैं किसकी कराने जा रहा हूं, एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले रहा हूं लेकिन बेस में वीक ले रहा हूं, मतलब प्रबल अम्ल ले रहा हूं लेकिन क्षार कैसा ले रहा हूं, दुर्बल। लिखते रहना ये, ठीक है, ये अपने कॉपी में लिखते रहना कि हाँ जी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, मेरी तरह मत लिखना, तुम अपना पूरा लिखना, हिंदी वाले प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। अब लो जी, ये हमने ले लिया प्रबल अम्ल और ये हमने ले लिया दुर्बल क्षार, ठीक है। यहां वाले में क्या लूंगा मैं, अब की बार अम्ल दुर्बल ले रहा हूं और भाई बेस, बेस बोले तो क्षार में प्रबल ले रहा हूं, ठीक है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब की बार ये कमजोर ले लिया ये ताकतवर ले लिया, और यहां पे क्या ले रहा हूं, दोनों के दोनों वीक, एसिड भी वीक और बेस भी वीक, दोनों के दोनों मैंने वीक ले लिए भाई, ठीक है, ले लिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, अब ये मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं भाई, देखो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं, क्या, पहले तो उस डेफिनेशन को याद करते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि भाई जब भी एसिड को वाटर में मिलाया जाता है या रिएक्शन करवाया जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा एच प्लस आयन निकालता है, ठीक है, ये बात हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज्यादा एच प्लस आयन निकालते हैं। तो ज्यादा को मैं ना 5 से डिनोट करूंगा, ज्यादा को किससे डिनोट करूंगा, 5 से। स्ट्रॉन्ग बेस भी ज्यादा ओ एच माइनस आयन निकालते हैं, इसको भी मैं किससे डिनोट करूंगा, 5 एरो से। और जो वीक एसिड होते हैं वो एच प्लस आयन कम निकालते हैं, तो मान लो मैं इसको 3 एरो से डिनोट करूंगा, कितने एरो से, 3 एरो से। और जो वीक बेस होते हैं वो भी ओ एच माइनस आयन कम निकालते हैं, तो मैं इसको भी कितने एरो से डिनोट करूंगा, 3 से। तो अब ध्यान से समझना कि स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं एच प्लस आयन मान के चलूंगा, एच प्लस आयन तो होता ही है, 5 एरो मान के चलूंगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का ओ एच माइनस होगा और कितने एरो मान के चलूंगा, 5। वीक एसिड को कितना मान के चलूंगा, एच प्लस आयन लेकिन एरो कितने, 3। और वीक बेस को क्या मान के चलूंगा, ओ एच माइनस आयन लेकिन एरो कितने, 3। अच्छा वीक वालों के तीन तीन क्यों लिए मैंने, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि वीक एसिड और वीक बेस हमेशा कम मात्रा में ओ एच माइनस आयन और एच प्लस आयन निकालते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा मात्रा में एच प्लस आयन निकालता है, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा मात्रा में ओ एच माइनस आयन निकालता है, ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। चलो अब देखना, अब बच्चों मुझे एक बात ध्यान से समझाना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल है, तो आयन कैसे निकालेगा, एच प्लस आयन कैसे निकालेगा, पांचों के पांचों निकाल देगा, यानी ज्यादा अमाउंट में निकालेगा, सही बात है। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये ओ एच माइनस आयन कैसा निकालेगा, जल्दी बता दो, तो ये भी पूरे पांचों के पांचों निकाल देगा, रीजन क्यों, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग तो ये तो सारे के सारे पांचों के पांचों आपस में मिलेंगे, तो मिलके एच प्लस ओ एच क्या बना देंगे, वाटर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जल्दी बताओ, ये तो सारा का सारा मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया, सारा का सारा मिलके क्या बन गया, वाटर। तो जब ये सारा का सारा आपस में मिलके सिर्फ वाटर बनाएगा, सिर्फ वाटर बनाएगा, तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि बच्चों हमने क्या सीखा है
कि एसिड और बेस हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो देखो यहां पे सॉल्ट बनेगा और यहां पे जितने भी एच प्लस और ओ एच माइनस हैं वो सब मिलके कंप्लीट क्या बन जाएंगे? वाटर। तो ऐसी सिचुएशन में जब सारे के सारे मिलके वाटर बना दें तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहा जाता है? ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल सॉल्ट। हिंदी में क्या कहा जाता है? उदासीन लवण। क्या कहा जाता है? उदासीन लवण। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इसके पांचों के पांचों मिल गए। लेकिन अब यहां देखना, अब यहां देखो। हाँ भाई, यहां पे एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो यानी ये पूरे पांच निकालेगा, ये मान के चल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, बस हम अपने सीखने के लिए कर रहे हैं। और लेकिन यहां पे बेस कैसा है? वीक। तो ओ एच माइनस क्या होगा? वीक है। तो वीक वाला कितना निकालेगा? तीन। वीक वाला कितना निकालेगा? तीन। लेकिन बच्चों अब एक बात बताओ, यहां पे वाटर कितने हिस्से बनेंगे? वाटर के तो यहां पे तीन ही हिस्से बन पाएंगे। यहां पे वाटर के तो ये तीन ही हिस्से बने। मतलब क्या हुआ? वाटर बना लेकिन एसिड के दो हिस्से रह गए। एसिड के दो हिस्से रह गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैं बताता हूं। देखो हमने ये बात तो पढ़ ली है कि एसिड और बेस मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है। तो वाटर के कितने हिस्से बने? तीन। और सॉल्ट तो बनना ही बनना है, सॉल्ट तो बनना ही बनना है। लेकिन ये जो सॉल्ट बनेगा, जानते हो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर बच्चों एसिडिक नेचर होगा, अम्लीय प्रकृति होगी। रीजन आप जानते हो क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया तो वाटर बना जरूर, सॉल्ट बना जरूर, लेकिन एसिड के बाकी कुछ एसिड के कुछ एस प्लस आयन बाकी रह गए। क्यों? क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, हमने क्या सीखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा एच प्लस आयन निकालेगा, वीक बेस कम ओ एच माइनस आयन निकालेगा। तो जब ये ज्यादा निकाल रहा है, ये कम निकाल रहा है, तो वाटर भी क्या बनेगा? कम बनेगा। तो एसिड का जब एक्स्ट्रा बच गया, एसिड का जब कंटेंट एक्स्ट्रा बच गया, एच प्लस आयन एक्स्ट्रा बच गया, तो अपना नेचर तो दिखाएगा ही ना। तो बिल्कुल, तो बस इसीलिए जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट कैसा बना? एसिडिक नेचर का बना। कैसे नेचर का बना? एसिडिक नेचर का। जबकि यहां पर पांचों के पांचों आपस में मिल गए थे, इसलिए जो वाटर बना वो कैसा बना, यानी इसलिए जो सॉल्ट बना वो कैसा बना? न्यूट्रल, उदासीन। लेकिन यहां पर एसिड के कंटेंट बच गए, इसलिए कैसा रहा भाई? एसिडिक। अब यहां देखो, अब यहां देखो, यहां पे एसिड कैसा है? वीक। तो जल्दी बताओ एच प्लस आयन भी क्या निकलेंगे? कम, तीन मानेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो ओ एच माइनस आयन कैसा निकलेगा भाई? ज्यादा निकलेगा, पांच निकलेंगे। अब जब ये आपस में भाई मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो जल्दी से बता दो, ये तो तीन ही मिल पाएगा इसका। यहाँ पे तो कितना मिल पाएगा? तीन ही मिल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्ट बनेगा जरूर, सॉल्ट बनेगा जरूर, लेकिन सॉल्ट का नेचर कैसा होगा जल्दी बता दो। क्योंकि वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर किसका रह जाएगा? बेस का रह जाएगा। मतलब बेसिक नेचर रहेगा, क्षारीय प्रकृति रहेगी। किसकी? सॉल्ट की। सॉल्ट मतलब क्या होता है? लवण होता है। सॉल्ट मतलब क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे क्या है? यहां पे एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। तो इसका मतलब एच प्लस आयन भी यहां क्या निकलेगा? कम। और यहां पे बेस भी क्या है? वीक। तो मतलब ओ एच माइनस आयन भी क्या निकलेगा? कम। तो दोनों के दोनों जब कम निकलेंगे तो क्या होगा? ये तो भाई कंप्लीट वाटर बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे कंप्लीट वाटर? तो बस जब ये कंप्लीट वाटर बना रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, मींस उदासीन होगा। क्या मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया कि भाई जब दोनों स्ट्रांग और दोनों वीक तो नेचर न्यूट्रल, और अगर एसिड स्ट्रांग तो नेचर एसिडिक, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग तो नेचर बेसिक। तो ये कंटेंट कई बार
धोखे धोखे से पूछा गया है बच्चों के साथ कि हाँ भाई बच्चों बताओ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अब मोस्टली ये पढ़ाया जाता है नहीं, और जब बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता तो कंफ्यूजन में रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि भाई जब कौन स्ट्रांग होगा तो कैसा नेचर होगा, और जब दोनों एक जैसे होंगे तो कैसा नेचर होगा। तो अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो न्यूट्रल, वीक एसिड वीक बेस है तो न्यूट्रल, लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग है बेस वीक है तो एसिडिक, और अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है तो बेसिक। तो ये सिचुएशन मैंने आपके सामने ला के रख दी है, ठीक है। इसे फटाफट नोट कर लीजिए और इसके साथ आपका बेस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पीएच पेपर कराऊंगा, और पीएच पेपर खत्म करा के फिर सॉल्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।